महाशिवरात्रि ध्यान एवं उत्सवर रात्रि गोटे छोटिया कथा मन पड़ू आज्ञा समुद्र कूल रे जड़े स्त्री लोक ठिया हसुची कौन पे हसुची ताकु आउ जने स्त्री लोक पचारला कला मा हसुच कहीं ये स्त्री लोकटी कहि देख लु केड़े बड़ समुद्र कला हाँ कला ये समुद्रटा को मो पु दिने बंध पकई बंध बांधि आए समुद्र कौन देखु मो आगे खातिरी ये माटी किए कि माँ कौशल्या राम माँ पुओ भल कम कले मार छाती भूल उठे ना जो स्त्री लोकटी पचारूला कौशल्या को से स्त्री लोक आउ टे हसला कौशल्या अन हसिल कहीं तमें ये स्त्री लोकटी कह तम पु सीना कि भालू माकड़ को सांगे धरिकी एटी गोटे बंध करदेला किंतु मो पु कौन कर कौन ना मो पु गोटे डियां के समुद्र बाहर पड़ेला कहला तमें अंजना कि हनुमान रहा कि कहला हाँ ये दिज कथबार्ता है बेले पछरे आउ जो स्त्री लोक ठो ठो कि हसला दिज जाक अन कह तमे कहीं हस स्त्री लोकटी पाखक आसला कहला जाच तम पुसीना समुद्र रे बंधटे करदेला आउ तम पुसीना गोटे डिं डेक पलैला कि मो पु कौन कर कौन ना चलु करी समुद्र को देला पुणी पी गोटे चलु रे समुद्र पानी समुदाय पानी टाक पीदेला कहला तम अगस्ती रहा कि ना हाँ देख पु मान कारनामे माँ बापा गर्वित हूँ पु झी जदि भल कम करती बाप माँ मुंडटा एमती उच्चा हो जाए आउ जो पु झीक बेक बुद्धि ज्ञान थी से मैंने सब बेले बाप माँ मुंडटा को उठे रखिए तलू के बाबा मैने अगस्ती बोली जहाँ को कहते जो ऋषि अगस्ती ये श्लोकर लेखक जी अगस्ती संहितार लेखक ये अगस्ती ऋषि कड़े गोटे कलसी भितर जन्म होती यहाँ के संभव हाँ कलसी भितर छुआटे कि जन्म हम कलसी गोटे गीत अच्छे आपण मान कान बाजि ये गीत कलसी गोटे भल गीत अच्छी कौन कहले मन दे कि शुणु स्तन नारी गला पानी की दिने मंग नरी जतने गोटे नारी टे तार स्तन ना सी पा आला कौट की पोखर की पा आला जो कलसीटी धरिकी जाता कलसीटार मंग ना मंग थे सीना काखु धरती कि तार मंग ना आगटा अग ना तार अच्छा कौ पोखर पाखे पहुँचला ना हुड़ा नथिबा पुष्करणी तीरे प्रवेश हेला जो पोखरी रे चारिपट हुड़ा ना खाली पड़ियाटा सी कौन पोखरी को पाए कि पहुँचला कौन देखला हुड़ा नथिबा पुष्करणी तीरे प्रवेश हेला पाद ना मृग गोटे चरु अच्छी देखला देखला गोटे हरिण टे चरुची किंतु तार पाद ना अरे पाद ना तो पुणी चरुची किमी ना चरुची अस्तनी फेरिण कहला तार स्वामी आगे शुणी करी स्वामी भासिला ताकु अति सरागे अस्तनी नारी फेरिकी ता स्वामी की कहला हेटी जाइलि हुड़ा नथिबा पोखरी को जाइली पानी आनिया जे से पोखरी कूल जो पहुँचली कौन देखिली जानिछ पाद नाई गोटे मृगटे चरुची
ସେ ମୃଗଟା ମୋତେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତନି ତମେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, କହିଲା ଶୁଣୁ, ଯଦି ମୃଗଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନା କ'ଣ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଗୁଣ ନଥିବାର ଧନୁକୁ ମୋତେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଯୋଉ ଧନୁରେ ଗୁଣ ନାହିଁ ଖାଲି ବାଉଁଶଟା ମୋତେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ, ସେଇ ଧନୁରେ ମୁଁ ମୃଗ ମାରି କରି ଆଣିବି, ନ କର ତୁ ସଂଶୟ, ସେଇ ଧନୁରେ ମୁଁ ମୃଗଟାକୁ ମାରିକି ଆଣିବି ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଲା, କହିଲା ଏଥିରେ ତ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତମେ ସର ମାରିବ କେମିତି ଯେ ମୃଗଟାକୁ ମାରିବ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ତୁ କାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତୁ ଆଣିକି ଦେ ମୋତେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ମୃଗକୁ ମାରିକି ଆଣିଲେ ତା ମାଂସ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଟି ନା? ହଁ, କୋଉଥିରେ କରିବୁ? କହିଲା ଚୁଲିରେ। କହିଲା କୋଉ ଚୁଲିରେ? କୋଉ ଚୁଲିରେ କରିବ? ନା ଝିଙ୍କା ନଥିବାର ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧି ଦେବୁ ତୁ ମୋତେ। ଯୋଉ ଚୁଲିରେ ଝିଙ୍କା ନଥିବ ସେଇ ଚୁଲିରେ ମୋତେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବୁ। ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଖାଇବି ଜାଣିଛୁ? କହିଲା ପାଟିରେ ଖାଇବ। କୋଉଥିରେ ଖାଇବ? କହିଲା ନା। କହିଲା ଆଉ? କହିଲା ତାହା ପୁଣି ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି, ପାଟି ନଥିବା ଯନ୍ତ୍ରେ। କହିଲା କେମିତି ଖାଇବ ଯେ ତମେ? କହିଲା ହଁ, ବାଇଆ କହି ଏଇଆ ଯିଏ ନଥିବ ଜାଣି, କେଉଁ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇବ ଏତରୁ ସିଙ୍କ ବାଣୀ। ବାବୁମାନେ, ଅସ୍ତନୀ ନାରୀ କିଏ, ସ୍ତନ ନଥିବା ନାରୀ କିଏ, ହୁଡ଼ା ନଥିବା ପୋଖରୀ କିଏ, ମଙ୍ଗ ନଥିବା କଳସୀ କିଏ, ପାଦ ନଥିବା ମୃଗ କିଏ, ଗୁଣ ନଥିବା ଧନୁ କିଏ, ଆର ସମାଧାନ କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।